सेई मांकर वर्तमान पहंडी आरंभ हो छ मां देखिथिले आमे टिके पूर्वरु पति महापात्र वंदापना करबा सहित अक्षत वंदापना करूथिले एवं तापरे घसा जल मणही कले प्रभु निकट रे जो घसा जलर मणही परे से प्रसाद को सेवक माने अत्यंत आनंदर सहित पान करी वर्तमान शक्तिमयंकर से शक्ति को पाई मां को वर्तमान स्कंदारूढ़ करी ले जाउछंती सेवक गण ये सुंदर भाव रे जी होचने संसार रो शक्तिमयी शिव शक्ति समा जोग परमात्मेति निश्चितम परां शक्ति सुसंजात चित शक्ति तदुद्भवा मां जी होचने आद्यासरी जोगेश्वरी संसार रो समस्त शक्ति तांको थारु की उत्पन्न तांको बिना शिव सबरे परिणत होंती से शिव शक्ति से मां सुभद्रा जी जेतेबेले श्रीमंदिर रे दशहरा उत्सव पालन करा जाए आश्विन मास रे मां सुभद्रा के पाख थारु पाखरु आज्ञामळ जाईथाय एवं विमळांकर से जो दशहरा आश्विन मासर जो उत्सव पालन करा जाए ये हूँ माँ जगज्जननी जी निजे हूँ संसार ब्रह्ममयी इच्छा स्वरूपणी इच्छा नक प्रभु निकट में कौन कार्य हुए कारण जगन्नाथ हूँ कर्ता एवं श्रवण शक्ति हूँ बलभद्र माँ देवी सुभद्रा हूँ इच्छा पाई ब्रह्ममयी जे ब्रह्म शक्ति स्वरूपणी माँ निजे पठी दिखती प्रभु निकट में इच्छा स्वरूप एवं क्रिया संपादन करती सुदर्शन चक्र महाप्रभु पठे जगतर नाम कि सुंदर भाव में घंटुआ माने घंट बजाऊँ पहंडी बेले ये जो घंटर ताल एकतालीस स्वर से किंतु जितेबले रथ जात्र रथ जितेबले टणा जाए से घंटर स्वर गोटे अलग भाव उत्कंठार सहित घर घर नाते रथ गला बेले किंतु माँ जो पहंडी होती देखु से घंटुआ मानकर अगुरु चंदन कुमकुमर सुवास प्रकम्पित हो बड़दाण्ड बड़दाण्डर से भूमि आज पवित्र हो उठी माँ जगज्जननीकर से संसार तरणी दुखर आज संसार जितेबाड़े भासी जाऊँगी माँ कितु से संसार दुख को निजे हरण करोगमाया महादेवी मया महामाया नमस्तुते ईश्वरी अंग व्यंजन ब्रह्मस्थान स्थित सदा जी कि ब्रह्मस्थान रही माँ हूँ देवी तत्व पंच महाभूत यदि जगन्नाथ अग्नि तत्व कहते बलभद्र पृथ्वी तत्व हमें सुदर्शन तेज तत्व हमें आँ हूँ से वायु तत्व जी कि वायु बिना संसार माँ माँ अर्थ माटी आर्थ आकाश ए समग्र विश्व को धारण करूँ माँ आपटे नृत्यांगना मैंने माँ को मध्य विमोहित करूँ पाखरे मध्य सेवा को समर्पण करुंट आलट चली चामर चली माँ सेवे जगज्जननी सेवा करुंट संसार समस्त प्राणी मानकर से शरीर भितर रही शक्ति जगौं कारण आम जितेबले ये त्रिगुणात्मक शक्ति सत्य रजतम गुण जगन्नाथ हूँ महाकाली आ महालक्ष्मी हूँ स्वयं सुभद्रा आ भुवनेश्वरी जीए आ देवी सरस्वती सी हूँ बड़ भाई बलभद्र से तंत्र मत कहुए उग्र तार शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी लाद्रौत जगन्नाथ साक्षात दक्षिण कालिका से शक्ति त्रिगुणात्मक शक्ति वैष्णव शक्ति जितेबाड़े तंत्र परंपरार होती से महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती सेवक मैंने सुंदर भाव में पाछड़ी नौ नाचे देउछंती माँ को उत्कंठार सहित टिके पूर्वर कहते सतरे ये हूँ शिशु ये शिशु नुहे ये हूँ एभली भाव शक्ति जी आमको आपणे जी आमको पोड़े नहीं ये किंग दुखम दनुज दड़े नहीं जी माँ को एमती कौन से दुख ना माँ को जदि आम ध्यान करवा माँ को जदि आम डाक तेज आम संसार से दुख को हरण करपटे महालक्ष्मी सज हेले जो प्रीतिर भाव लगे कालिया सांत जाते रास रसवापी चंद्रावली सहित गोपी गोपांगना सहित जो प्रीति ये परकिया प्रीति किंतु अढ़े दिन प्रीति जो कहा विदग्ध चिंतामणि कहुई सुंदर भाव में पचारुंट राधा कह विरति की जाति पदार्थ काहू आईला काहू दैव एहा भी आईला अनण नुह देह दहई अस्त्र नुह मरम भेदई नुह जल बुड़ाए काल
ନୁହେଁ ବଡ଼ଶିକ ବଳେ ମିନ ନିଏ ଆକର୍ଷିକ। ଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରେମ, ଏ ଯୋଉ ପ୍ରେମରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇ, ଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ ରାସ ରସିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ରାସ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମାନବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ନା ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀର ରାସ, ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ରାସ। ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ ସିଏ ରାସ, ସେ ପ୍ରେମ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବନ୍ଧୁପଣରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହେଉଛ ଜଗତର ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁ ପଣେ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଉଡ଼ାଅ କେତନ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସମ ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆନ, ଜଗବନ୍ଧୁ ବୋଲି ତୁମେ ଜଗତର ଜଗତବାସୀଙ୍କ ତୁମେ ଅତି ଆପଣାର। ସତରେ ପ୍ରଭୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମ, ସେଇ ପ୍ରେମର ଫଲ୍ଗୁରେ ଆଜି ଏଇ ଧରା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଉଠିଛି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ଆଉ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିସାରିବା ପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଅଭଡ଼ା ପାଇବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଉଠିବେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭକ୍ତ ଖୋଜୁଛି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ତାଣ୍ଡରେ, ଗୋପୀ ଖୋଜୁଛି ଆଜି ତୁମକୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚାଲିଯିବ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପର ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ। ସତରେ ଏ ସ୍ନାହାନ ମଣ୍ଡପ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ଚାଲିଥିଲା କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଘବ ଦାସ ମଠର ପ୍ରଦତ୍ତ ଟାହିଆ, ଯେଉଁ ଟାହିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପରେ ସହିତ ତୁଳସୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। ସତରେ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ସେ ତୁଳସୀର, ଯେଉଁ ତୁଳସୀକୁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତରେ ଇଏ ଏମିତି ତୁଳସୀ, ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଗି ହେବା ପରେ ଧାୟ ଦେବୀ ନବଶଶୀ ମୁଖମ ପକ୍ ବିମ୍ଭାଧର ସ୍ତ୍ରୀମ, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁଳସୀ ଯେଉଁ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ସିଏ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଅପୂର୍ବ। କାରଣ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସୁଭଦ୍ରା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପିଣୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଶକ୍ତିର ଆଧାର।